गोंडा के स्वास्थ्य विभाग में बिना फिटनेस और प्रदूषण के सड़कों पर दौड़ती है एम्बुलेंस। आरटीओ विभाग ने अभियान चलाकर अब तक 20 एम्बुलेंस वाहनों का चालान के साथ 4 एम्बुलेंस को किया सीज। जिलाधिकारी और आरटीओ कार्यालय से विभागों को लेटर भेजकर अनफिट वाहनों को फिटनेस कराने का दिया गया है आदेश। खबर गोंडा से है। जिस विभाग के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी के साथ मरीजों के बेहतर इलाज का जिम्मा है, उनके विभाग में चलने वाली सरकारी एम्बुलेंस मानक विहीन और बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस में बैठे मरीज व उनके परिजनों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आरटीओ विभाग समय समय पर अभियान चलाकर एम्बुलेंस का चालान और सीज करने की कार्यवाही करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुखिया अपने सरकारी एम्बुलेंस के फिटनेस के बारे में अनजान है। लगातार जिलाधिकारी और आरटीओ विभाग के स्तर से सीएमओ को लेटर भेजा जाता है कि वह अपनी अनफिट वाहनों का फिटनेस करवा ले, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। फिलहाल आरटीओ विभाग अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग की अनफिट व बिना प्रदूषण की चल रही एम्बुलेंस का चालान कर सीज करने की कार्यवाही में जुटी हुई है। अब तक 20 एम्बुलेंस का चालान के साथ 4 एम्बुलेंस सीज भी की जा चुकी है। वहीं आरटीओ बबीता वर्मा ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी विभागों की सरकारी गाड़ियों का फिटनेस होना है, नहीं तो गाड़ियों का चालान किया जाएगा। हमारे विभाग और जिलाधिकारी के कार्यालय से सभी सरकारी कार्यालयों में एक पत्र भेजा गया है कि अनफिट वाहनों का फिटनेस करवाने के साथ गाड़ियों का प्रदूषण बनवा लें। वहीं पूरे मामले पर संभागीय परिवहन विभाग की आरटीओ बबीता वर्मा ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में वाहनों के तौर पर 79% तो एम्बुलेंस दर्ज हैं और उनकी अपनी भी सरकारी गाड़ियां हैं जिससे अधिकारी वर्ग चलते हैं। ऐसी गाड़ियां जो अनफिट हैं उसमें आरटीओ विभाग द्वारा समय समय पर जांच व कार्यवाही की जाती है। मेरे और हमारे विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती है। अब तक 4 से 5 गाड़ियों को सीज भी किया गया है और लगभग 20 गाड़ियों का चालान किया गया है। इसमें जिलाधिकारी स्तर से सीएमओ प्रक्रिया जारी की गई थी और मेरे कार्यालय से थी सीएमओ को लेटर जारी किया गया था। ऐसी गाड़ियों जो अनफिट हैं और प्रदूषण नहीं बना हुआ था वह कार्यालय में आकर संबंधित डॉक्यूमेंट और गाड़ियों की जांच करवा लें। कुछ एम्बुलेंस वाहनों का फिटनेस कराया गया है, लेकिन जो ऐसे एम्बुलेंस वाहन हैं जिनका फिटनेस नहीं करवाया गया है उनका समय समय पर आरटीओ विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा जितने भी सरकारी विभाग में गाड़ियां चलती हैं उसमें अनफिट गाड़ियों का फिटनेस कराने के लिए जिलाधिकारी और आरटीओ विभाग से एक आदेश जारी किया गया है कि आरटीओ कार्यालय में आकर गाड़ी का फिटनेस और प्रदूषण बनवा लो, नहीं तो शासन के आदेश के अनुसार सभी गाड़ियों का चालान किया जाएगा और सभी विभागों की सरकारी गाड़ियों के अनफिट फिटनेस से संबंधित विभागीय अधिकारियों के जिलाधिकारी स्तर पर बैठक भी की गई है। नाम पे लगभग 79 तो एम्बुलेंस दर्ज हैं और उनकी अपनी भी सरकारी गाड़ियां हैं जिनसे अधिकारी बहुत चलते हैं। ऐसी गाड़ियां जो अनफिट हैं उनकी समय समय पे प्रवर्तन कार्य करते हुए कार्रवाई की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे वर्तमान में अभी पीटीओ हैं जो प्रभारी आरटीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा और जब मेरे पास तो चार्ज था तब मेरे द्वारा भी बराबर इन गाड़ियों का चालान किया गया। इनमें कम से कम 4 से 5 गाड़ियां सीज भी की गई हैं और लगभग 20 गाड़ियां चालान की गई हैं। इसमें सीएमओ साहब को एक लेटर जारी किया गया था डीएम साहब के स्तर से और ऑफिस के स्तर से भी कि ऐसी गाड़ियां जो उनके यहाँ पे अनफिट हैं या जिनका पॉल्यूशन नहीं बना हुआ है कार्यालय में आके फिटनेस करा लें। उस क्रम में कुछ एम्बुलेंस ने फिटनेस कराई भी है, लेकिन जिन एम्बुलेंस के द्वारा फिटनेस नहीं कराई गई, जो ड्राइवर्स आके फिटनेस नहीं कराए हैं, उनका चालान और प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर की जा रही है। समस्त विभाग के लिए है, एक आदेश आया है मुख्यालय स्तर से कि जो भी गाड़ियां सरकारी गाड़ियां जो अनफिट हैं एक चीज़, और दूसरा जिनमें पॉल्यूशन नहीं है उनकी प्रायोरिटी पे चालान किया जाना है, कार्रवाई की जानी है। इस संबंध में डीएम साहब के द्वारा एक मीटिंग भी की जा चुकी है समस्त अधिकारियों को की, और डीएम साहब के स्तर से एक लेटर भी इशू किया जा चुका है कि जिस भी विभाग में गाड़ियां अनफिट हों या जिनका पॉल्यूशन नहीं है वो ऑफिस जाके फिटनेस ले लें। चूँकि सरकारी गाड़ियों में इंश्योरेंस नहीं होता तो इंश्योरेंस की बाध्यता नहीं है, इसमें आके अपना गाड़ियों की फिटनेस करा सकते हैं।